हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. वेलकम टू द ई लर्निंग क्लासेस. आई एम ए साइंस टीचर. टुडे वी विल कंटिन्यू विद द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन 4 एनिमल्स अवर फ्रेंड. आज हम लोग लेसन 4 एनिमल्स अवर फ्रेंड्स का रीडिंग और एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करेंगे. सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर साइंस बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 32 इन योर बुक्स. ऑल राइट स्टूडेंट्स, यस्टरडे वी लर्नड अबाउट पेट एनिमल्स. कल हम लोगों ने पेट एनिमल्स के बारे में पढ़ा था कि पेट एनिमल्स क्या होते हैं, विच एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज पेट एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल्स पेट एनिमल्स कहलाते हैं, पेट एनिमल्स कहाँ रहते हैं, द होम्स ऑफ पेट एनिमल्स. सो देयर आर वेरियस थिंग्स विच वी लर्नड यस्टरडे अबाउट पेट एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं. ऑलराइट, सो नाउ टुडे वी विल प्रोसीड फर्दर. टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स. स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, हाउ शुड वी ट्रीट विद द एनिमल्स. हमें एनिमल्स के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए. शुड वी वीड देम और शुड वी टेक केयर ऑफ देम. हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए. येस राइट, वी शुड टेक केयर ऑफ देम. हमें उनकी केयर करनी चाहिए. वी शुड लुक आफ्टर देम. ऑल राइट, वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनिमल्स. हमें एनिमल्स की केयर करनी चाहिए. वी शुड गिव देम प्रॉपर फूड. हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ देम, बाय गिविंग देम प्रॉपर फूड. उन्हें खाना देकर. एनिमल्स कैन नॉट कुक देयर ओन फूड. कैन दे कुक देयर फूड? नो, एनिमल्स खुद से खाना तो बना नहीं सकते हैं. बना सकते हैं? नहीं, वो खाना नहीं बना सकते हैं. सो वी शुड गिव देम प्रॉपर फूड. हमें उनके प्रॉपर फूड का इंतज़ाम करना चाहिए. एंड वाटर, वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर. कैन वी लिव विदाउट फूड एंड वाटर? क्या हम लोग बिना फूड और बिना वाटर के रह सकते हैं? नो, वी कांट सर्वाइव. हम लोग नहीं रह सकते. इन द सेम वे एनिमल्स ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर. बिना फूड के और बिना वाटर के वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. सो वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स बाई प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर फूड एज दे कैन नॉट. पेट एनिमल्स, फार्म एनिमल्स, ये क्या है, ये अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. ना ही लाइक वाइल्ड एनिमल्स, दे प्रे फॉर देयर हंट. दे हंट फॉर देयर प्रे. सो अपने शिकार एनिमल्स की तरह वो लोग शिकार नहीं करते हैं. सो वी शुड प्रोवाइड देम प्रॉपर फूड एंड वाटर. हमें उन्हें प्रॉपर फूड और वाटर प्रोवाइड करना चाहिए. देयर मैनी पीपल्स हु हैव एनिमल्स एट देयर होम्स. वो लोग एनिमल्स पालते हैं. वो लोग उनकी प्रॉपर केयर करते हैं. टाइम से खाना पानी देते हैं उनको. सो दे लुक आफ्टर देम. वी शुड टेक देम टू अ डॉक्टर व्हेन एवर दे आर सिक. वेयर डू वी गो व्हेन वी फॉल सिक. जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग कहाँ जाते हैं? वी गो टू द डॉक्टर. हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं. इन द सेम वे व्हेन एनिमल्स फॉल इल. जब एनिमल्स बीमार पड़ते हैं, वो भी तो बीमार पड़ेंगे ही. लिविंग थिंग्स हैं, बीमार होंगे. सो व्हेन दे फॉल इल वी शुड टेक देम टू अ डॉक्टर. हमें उनको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए. एज एन ह्यूमन बींग नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट, इन द सेम वे एनिमल्स ऑल्सो नीड प्रॉपर ट्रीटमेंट. एनिमल्स को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है.
So we should provide them proper medicines when they are sick. All right. We should be kind and gentle to them. हमें उनके साइड उनके तरफ कैसा व्यवहार करना चाहिए, काइंड एंड जेंटल बिहेवियर रखना चाहिए. एज दे कैन नॉट स्पीक, एनिमल्स कैन नॉट स्पीक, बट वी शुड अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स एंड वी शुड नॉट हर्ट देम. उनके तरफ हमें कैसा बिहेवियर रखना चाहिए, काइंड एंड जेंटल. हमें काइंड और जेंटल बिहेवियर रखना चाहिए. वी शुड नॉट हर्ट देम, वी शुड नॉट बीट देम, वी शुड नॉट किल देम. हमें उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए. सो वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स एज दे आर वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल टू अस. दे प्रोवाइड अस डिफरेंट थिंग्स, दे आर वन ऑफ अवर सोर्स ऑफ फूड. ये हमारे क्या है, फूड का सोर्स है. ऑल राइट. अ डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स इज कॉल्ड, जो डॉक्टर एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, एज ह्यूमन बींग्स जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर अलग होते हैं. एंड व्हेन एनिमल्स फॉल सिक, जब एनिमल्स बीमार पड़ते हैं तो उनको जो डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है उन डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड वेटनरी डॉक्टर्स. दे आर कॉल्ड वेटनरी, वी ई टी ई आर आई एन ए आर वाई. वेटनरी डॉक्टर्स मीन्स द एनिमल्स विच ट्रीट, सॉरी द डॉक्टर्स विच ट्रीट एनिमल्स, जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स को वेटनरी डॉक्टर्स कहा जाता है और वेट्स. ऑल राइट. सो स्टूडेंट्स, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर विद द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. वी लर्न डिफरेंट थिंग्स अबाउट farm animals, uses of animals, different uses of animals are there. Animals provide us various things like curds, ghee, eggs, wool, honey, wax, bags. They provide us various things. They help us to carry the things from one place to another. So they are various things. We talked about pet animals, pet animals ke bare mein jana. We learned about the homes of pet animals, what are domestic animals. So we learned different things in this chapter. We should take care of animals and provide them proper food and water. We should not hurt them and kill them. Now just short recap what we learned today, sorry, in this chapter. Farm animals kya hote hain. Animals that are kept at farms are called farm animals. जो animals farm में रहते हैं उन्हें farm animals कहा जाता है. Pet animals, animals that are kept in our homes. जो animals homes में रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, are called pet animals. Domestic animals क्या होते हैं. Animals that are kept in farm or at homes. जो या तो farm में रहते हैं या होम में रहते हैं आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. सो दे आर थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स. ऑलराइट. सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी लर्नड. सम एनिमल्स आर केप्ट ऑन फार्म और एट होम्स. कुछ एनिमल्स को हम लोग फार्म में रखते हैं, कुछ एनिमल्स को होम में रखते हैं. एनिमल्स गिव्स अस मिल्क, मीट, एग एंड हनी. एनिमल्स गिव्स अस वेरियस थिंग्स, मिल्क, meat, egg, honey and many other things other than these things. Animals make our work easier. Animals kya karte hain, hamare work ko easier banate hain. Dog, cat, parrot and rabbits are some pet animals. These are called pet animals. They live in different homes. We must take care of animals. So we must take care of animals as they are very helpful and beneficial to us. We should not hurt them and kill them. All right students, here we come to the end of this chapter. Now you just write down your today's homework. Draw
and color any two homes of farm animals in your science copy. Alright, you have to draw and color any two homes of farm animals. Yesterday you have drawn homes of pet animals. कल आपने pet animals के homes को draw किया था. Now today you will draw the homes of farm animals. So there are three diagrams. You can draw any two out of this. इसमें से कोई भी two आप लोग draw कर सकते हैं. In your white page, divide the page into two halves and draw the diagrams there with proper heading and date. Alright, thank you so much. See you in the next video.